कार्तिक में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो? क्या दोनों समय दीप दान कर सकते हैं? कौन से अष्टकम का पाठ कर सकते हैं? ये कार्तिक महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना है, 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ महीना ये कार्तिक है। इसमें सुबह शाम दीप दान तारों की छाया में सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, एक समय भी कर सकते हैं। तारों की छाया में इसमें दीप दान की बहुत महिमा, और दीप दान किसको करना है तो तुलसी जी को भी कर सकते हैं, करना चाहिए, ठाकुर जी को भी करो, देवताओं को भी कर सकते हैं। दीप दान करना, दीप दान का अर्थ होता है दीप जगा करके और उसको देवताओं के सामने रख दो, यही है दीप दान। धरती पे कभी दीपक नहीं रखना चाहिए, शंख और दीपक धरती पे नहीं, यदि धरती पे रखना है तो नीचे कोई पत्ता कोई ईंट कुछ ना कुछ ऐसा रख दो उसके ऊपर दीप, या दीवार पे रख दो, या आले बने होते हैं उस पे रख दो, छत के ऊपर मुंडगेली पे रख दो। तो इस प्रकार आप ऊंचे रखें, धरती पे दीपक और शंख दोनों नहीं रखे जाते, या किसी पात्र में रख दो। तो मंदिर में दीपदान, तुलसी को दीपदान, देवताओं के निमित्त दीपदान, पितरों को दीपदान, तो इस प्रकार दीपदान करें। और आपने क्या पूछा, कार्तिक में दीपदान कैसे, और अष्टक का पाठ, बिल्कुल दामोदर अष्टक का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। भागवत जी का पाठ करें, कुछ ना कुछ नियम विशेष करने चाहिए कार्तिक मास में, कोई ना कोई नियम और विशेष नियम जो आप नित्य प्रति 12 महीने करते हैं, जो भी उसमें ऐड कर लो कुछ और नियम, जो इसको बोलते हैं मासोपवास या कार्तिक का व्रत। इस व्रत में बहुत कुछ करने की चीज़ें हैं, तो मेन तो है कि दीपदान करें, भागवत जी का पाठ करें, प्रतिदिन संकीर्तन करें, दामोदर अष्टक का पाठ करें, राधा अष्टक का पाठ करें, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करें, ये तो आप करते ही होंगे, गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो राम भक्त और रामायण जी का पाठ करें प्रतिदिन, हनुमान भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, 100 पाठ कर लें या 108 पाठ कर लें, कीर्तन प्रतिदिन करें, सबसे अधिक महिमा संकीर्तन की है। और तारों की छाया में स्नान होता है और दामोदर की पूजा होती है कार्तिक में, और एक समय भोजन होता है कार्तिक मास में, रात्रि को तो बिल्कुल नहीं करना, दीवा भोजी वो भी एक बार, ये कार्तिक का नियम है। जितना जिससे निभे, अपने शरीर को देखो, परिस्थितियों को देखो, परिवार को देखो, सब देख करके जितना आप अधिक से अधिक निभा सकते हैं, और जो भी आप जितनी माला का नियम करते हैं कार्तिक महीने में माला की संख्या भी बढ़ा दें। आप मौन ले सकते हैं, हर समय मौन नहीं तो 2 घंटे का 1 घंटे का मौन ले सकते हैं, ठाकुर जी की भी 16 उपचार पूजन करें, और शालिग्राम यदि आपके पास है तो शालिग्राम के आगे कार्तिक महीने में स्वस्ति बनाने की बड़ी महिमा, वो स्वस्ति आप सिंदूर से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, चून से बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, फूलों से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। प्रतिदिन आप स्वस्ति बनाएं शालिग्राम भगवान के सन्मुख। मंदिर में पूरे महीने रंगोली बनानी चाहिए, रंगोली की कार्तिक मास में बहुत महिमा, भगवान के द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए, नहीं तो थाली में बना लो रंगोली, थाली में नहीं तो चौकी बना लो, चौकी में प्रतिदिन रंगोली ठाकुर जी के सामने। हमारे यहाँ तो 12 महीने रंगोली बनती है ठाकुर जी के सन्मुख, प्रतिदिन बनती है 12 महीने। आप रंगोली बनाएं पूरे कार्तिक में, रंगोली की बड़ी महिमा। ये साउथ में तो अब भी है बहुत रिवाज, लेकिन इधर नॉर्थ में रिवाज नहीं रहा, ये परंपरा समाप्त हो गई है, लेकिन रंगोली की बड़ी महिमा, उसमें भी स्वस्ति का चिन्ह शालिग्राम भगवान के सामने प्रतिदिन। तो तारों की छाया में स्नान की महिमा, दीपदान की महिमा, और अधिक से अधिक बाकी ब्रज में आओ कार्तिक के महीने में, और 84 को उसकी परिक्रमा कार्तिक में बहुत करते हैं। आज ही मैंने बताया ना, 10,000 यात्री थे पूरे भारत से 108 कुटियों में जो दर्शन करने के लिए आए थे, तो इतनी महिमा है कार्तिक में, 84 को उसकी परिक्रमा लोग बहुत करते हैं। और ब्रज में आओ और उसमें भी कार्तिक में राधा कुंड के स्नान की बहुत महिमा, गिरिराज की परिक्रमा, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा, और दैनिक अपने घर में आप भागवत जी का पाठ, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नियम लेना चाहिए कार्तिक की महिमा। तो आपने पूछा कि कार्तिक में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्या दोनों समय दीप दान कर सकते हैं, बिल्कुल, कौन कौन से अष्टक बताया, वैसे तो कृपा कटाक्ष कर सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, दामोदर अष्टक की बड़ी महिमा है पाठ करने की।